मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास माल। विशालगढ़ कोल्हापुर के अंदर जो मामला पेश आया, मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट उसकी पुरजोर मजम्मत करती है। और आज जो है हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस में जो है लेटर देने के लिए आए थे, हमने उसके अंदर ये लिखा कि कानून को अपने हाथ में लेना ये संविधान नहीं सिखाता। जिस तरीके से विशालगढ़ के अंदर जो मामला था अतिक्रमण का, उसको सरकार देखती थी, लेकिन ये बात में समझ में आ गई, कुछ वहाँ के ऑफिसरान और वहाँ के लोगों ने जो गंदे अनासिर, यानी मैं उनको ये कहूँगा कि वो आरएसएस या जो भी हो, कोई भी समाज के हो, लेकिन इस तरीके से वहाँ पर जो है 400-500 मकानात मुसलमानों के हैं, उसके बाद जो है वहाँ पर उनके मकानात को तोड़ा गया, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया गया, उनको जान से मारने के लिए जो औजार से जो उन पर हमला किया गया, उसके बाद वहाँ पर मस्जिद भी जो है तोड़ी गई, उसके बाद दरगाह भी वहाँ पर तोड़ी गई। इस तरीके की मामला ये सरकार के हाथ में है कि वहाँ का अतिक्रमण हटाए, ना कि ऐसे इंसान जो ये कानून जो हाथ में लेते हैं। मैं सरकार से ये विनती करता हूँ कि ऐसे ऑफिसरान जो उनके अंदर मुलविस थे और ऐसे लोग जिन्होंने ये, क्योंकि वीडियो में जो है वीडियो के अंदर सबके चेहरे आए हुए हैं, मैं सरकार से ये विनती करता हूँ कि ऐसे लोगों को अरेस्ट करे और कड़ी से कड़ी सज़ा दे। मैं ये कहूँगा कि हर मज़हब में जिस तरीके से सेकुलरिज्म का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि मुसलमानें वोटें जो है वो कांग्रेस के ऊपर भी गई, मुसलमानों ने एक तरफा वोटें की, और मुसलमान खुद ये चाहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलजुल कर रहे। अगर वहाँ पे मंदिर भी तोड़ी जाती तो हमको उसका भी तकलीफ़ पहुँचती, और अगर वहाँ पर जो है गुरुद्वारे को भी तोड़ा जाता तो हमको तकलीफ़ पहुँचती, क्योंकि हम हर मज़हब की जो है हम हर मज़हब को पसंद करते हैं कि हर मज़हब का अपना अपना एक मुकाम है। कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया इसलिए कहलाया जाता है कि हर मज़हब के मानने वालों में आपस में मोहब्बत है, लेकिन कुछ गंदे अनासिर जिस तरीके से, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे अनासिर जिसके अंदर जो हमारे अच्छे हिंदू भाई हैं, हमारे अच्छे सिख भाई हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे गंदे लोग भी हैं जो ऐसे माहौल को, और कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा कि ये एक तरह का सियासी स्टंट है जो अभी इलेक्शन करीब आ रहा, मुसलमानों को तकलीफ़ देकर वोट लेना, ये कौन से जो है संविधान में लिखा गया। तो मैं सरकार से फिर विनती करता हूँ, और सरकार से एक बार ये करो, ऐसा कानून पास करे, अगर मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा ऐसे कोई भी जो मजहबी जगह हो वहाँ पर कोई भी इंसान कोई भी मज़हब का मानने वाला उसको तोड़ता है, नुकसान पहुँचाता है, तो उसको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। ऐसा कानून अगर हिंदुस्तान में लागू हो गया तो मैं यकीन से कहूँगा कि मस्जिद भी सुरक्षित रहेगी, मंदिर भी सुरक्षित रहेगा, गुरुद्वारा भी। तो इस तरीके से मैं सरकार से ये कहता हूँ कि आप जो है अच्छी तरीके से वहाँ पर छानबीन करें और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे। यही लेटर लेकर हम जो है एडिशनल कलेक्टर ऑफिस आए थे, और हमारी डिमांड यही है, अगर इस तरीके का कोई फैसला नहीं होता है तो फिर हमको जो है गांधी तरीके से आंदोलन के ढंग से मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट अपनी तहरीकी अंदाज के अंदर इस मालेगांव शहर के अंदर धरना आंदोलन करेगी, और कुछ लोगों को हम जहां पर हादसा हुआ वहां भी जाकर हम मुसलमानों की मदद करेंगे।